हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरे पेरेंट्स इन लॉ आए हैं पाकिस्तान से। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ कि हम लोग कहाँ कहाँ गए हैं उनके आने के बाद। एक्चुअली हम लोग रोज़ ही कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, शाम में कभी दूर कभी करीब, बट डेली ही निकल जाते हैं बिकॉज़ यहाँ पर दिन बहुत लंबे होते हैं, तो शाम का टाइम लाजमी हमें कहीं ना कहीं चले ही जाते हैं। अभी हम लोग आए हुए हैं नायग्रा फॉल्स की तरफ, और यहाँ का व्यू तो आप लोग देख ही सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। और अम्मी अब्बू को भी बहुत अच्छा लगा ये नज़ारा देख के, और ऑब्वियसली जो भी देखता है पहली बार तो वो एकदम हैरान रह जाता है ही इतना प्यारा। और साथ में आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगी कि अम्मी अब्बू को कनाडा कैसा लग रहा है, उनकी क्या फीलिंग्स हैं यहाँ पे आने के बाद, तो वो सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज मौसम बहुत प्यारा है, एंड आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। इसी तरह कनेक्टेड रहिएगा प्लीज़, एंड वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें अगर आप लोग को अच्छी लगे। बस अभी हम लोग यहाँ फॉल्स पे खड़े हैं, एंड हस्बैंड जो है वो अम्मी अब्बू को पूरा बता रहे थे कि ये इस साइड कनाडा है, एंड जो अदर साइड है लेक के फॉल्स के उस तरफ वाला साइड वो अमेरिका है। एंड ये लेक है जो एक तरह से नेचुरल बॉर्डर बनी हुई है कनाडा एंड अमेरिका के बीच में। एंड अभी हम यहाँ पे जो है वो किसी नायग्रा पार्क्स में ही घूम रहे हैं, आई थिंक क्विंस्टन पार्क है ये। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्क्स में लेके जा रहे हैं ताकि बोर ना हो। एंड अम्मी अब्बू दोनों को ही कनाडा बहुत अच्छा लगा, क्योंकि है ही इतना खूबसूरत कनाडा, नेचर बहुत प्यारा है यहाँ पे, नेचुरल ब्यूटी बहुत है, ऊपर से सफाई और सारी चीज़ें अच्छी हैं, बट स्टिल पाकिस्तान उनको याद आ रहा है बिकॉज़ अपना मुल्क अपना ही होता है, और वहाँ से एक कनेक्शन होता है एक बहुत ही मतलब, तो उनको भी याद आ रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि अम्मी तो सेटल हो गई हैं, क्योंकि ये हैं बच्चे हैं हम लोग हैं, और अम्मी पाकिस्तान में भी जो था वो घर में ही रहती थी ज़्यादा, और घर में ही काम वगैरह करती थी। बट अब्बू अभी मिस कर रहे हैं बहुत अपनी, क्योंकि वो बहुत सोशल है, उनकी ये अब पाकिस्तान में एक बहुत सोशल लाइफ है, लोगों से मिलना जुलना, तो उनको याद आ रहा है। और अपने जहां हम पाकिस्तान में रहते हैं वहां पे एक सोसाइटी में जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं, मज़हबी जो काम होते हैं, तो उनको भी वो जो है उनके मेंबर हैं उस कमेटी के, तो बहुत सोशल लाइफ है उनकी, दोस्त है उनके, मिलना जुलना बात करना, तो उनको बहुत याद आता है फिर, क्योंकि वो यहाँ पेरेंट्स यहाँ पे आके बहुत अकेले हो जाते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि हस्बैंड का भी वर्क फ्रॉम होम है, और मैं भी बच्चों की वजह से अभी जॉब नहीं करती, तो हम लोग घर में ही होते हैं, तो फिर उनका दिल लगा रहता है। अदरवाइज़ काफ़ी सारे लोगों के पेरेंट्स आते हैं और दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे होते हैं, और बेचारे सारा दिन अकेले होते हैं घर में, फिर शाम में मिलते हैं या वीकेंड पे कहीं जाते हैं, तो उन वो पेरेंट्स तो बहुत ही बोर हो के बस बोलते हैं कि वापस टिकट करवाओ। लेकिन यहाँ पे अच्छी चीज़ है कि मैं मतलब मैं भी जॉब नहीं करती, बच्चे भी हैं, तो बच्चों की वजह से भी दिल लगा रहता है, और बच्चों की वजह से ही वो आए हैं इतनी दूर, वरना वो आते भी नहीं कभी, क्योंकि उनको जो मतलब शौक़ है जाने का, ट्रैवल करने का जो भी शौक़ है, बस वो ये जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उमरा वगैरह हज ज़ियारतें यही करने का शौक़ है, बाकी कनाडा वगैरह मतलब वो बच्चों की वजह से ही आ गए हैं, और अब्बू भी आ गए हैं 14 घंटे की फ़्लाइट में जस्ट बच्चों की वजह से, अदरवाइज़ वो कभी भी नहीं आते। तो बस यही है, बस हम दिल लगाते रहते हैं उनका, लेकिन जो है उनको स्टिल कभी कभी मिस कर, काफ़ी ज़्यादा बल्कि मिस कर रहे हैं पाकिस्तान को अक्सर। और अभी जब मैं मिल्टन में थी तो मेरी एक दोस्त बनी थी पार्क में, तो उसने मुझे बताया था कि उसने अपनी अम्मी को बुलाया था इंडिया से, इंडिया की थी वो, तो एक महीने में ही बेचारी उसकी मदर वापस चली गई, क्योंकि वो भी जॉब करती थी
और उसके हस्बैंड भी जॉब करते थे, ऑफिस जाते थे, वो भी 6 बजे आती थी। एक बच्ची थी उनकी, वो भी स्कूल जाती थी, वो भी 4 बजे फ्री होती थी। तो वो उसकी मदर पूरा दिन घर में अकेली अकेली बोर हो जाती थी, तो बेचारी वो चली गई। वो फिर इस तरह के अगर कोई सिचुएशन होती ना, तो पेरेंट्स बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि इंडिया हो गया या पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे लाइफ बहुत ज़्यादा सोशल है और लोग मिलते जुलते हैं आपस में, अड़ोस पड़ोस में नेबर्स भी बात कर लेते हैं। आप बाहर निकलो तो 10 लोग आपको मिल जाते हैं, सलाम दुआ हो जाती है। यहाँ पे लाइफ बहुत बिजी है, लोग किसी के घर भी आना होता है तो पहले से प्लान सेट करते हैं, कॉल करते हैं, फिर जाते हैं। ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप किसी के भी घर चले जाओ। इस तो जो पेरेंट्स आते हैं फिर वो एडजस्ट नहीं हो पाते, बोर हो के वापस ही चले जाते हैं। तो जो इंट्रोवर्ट बंदा हो ना, वो तो यहाँ पे रह सकता है इजीली, जिसको लोगों से मिलने जुलने का शौक़ ना हो या अलग थलग रहने का शौक़ हो, उसकी लाइफ बड़ी अच्छी है। लेकिन जो मिलने जुलने वाला इंसान होता है ना, वो फिर यहाँ पे बोर हो जाता है। एनीवेज़ अभी हम लोग आए हुए हैं टोरंटो ज़ू, और यहाँ पे मैंने घर से चाय बना ली थी, तो हम लोग चल चल के थक गए थे ज़ू देख देख के। तो यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने थोड़ा सा चाय ब्रेक लिया है, चाय वाय पी रहे हैं। और हस्बैंड ने बिल्कुल एंड मोमेंट पे हमें बताया कि हम लोग जा रहे हैं ज़ू, क्योंकि सैटरडे का दिन था, छुट्टी थी। हस्बैंड ने कहा कहीं तो लेके जाना है एक्चुअली, क्योंकि आगे जो है ना वो फिर विंटर्स आ जाएंगी, तो फिर पता नहीं अम्मी अब्बू को लेके निकल पाएँ कहीं या नहीं निकल पाएँ। अक्टूबर में फॉल आ जाती है ना, तो काफ़ी ठंडा मौसम हो जाता है, तो फिर अभी इसलिए हम लोग वीकेंड ज़ाया नहीं करते, कहीं ना कहीं निकल ही जाते हैं। अभी हम लोग ज़ू में आए हुए थे तो चल चल के बहुत थक गए थे, एंड हस्बैंड ने बिल्कुल लास्ट में बताया था, हम लोग खाना नहीं पका पाए, वरना अम्मी कह रही थी कि आप मुझे पहले बताते तो मैं पुलाव बना लेती। लेकिन फिर खैर हम लोगों ने रास्ते से थोड़े से रोल ले लिए थे, वो खा लिए थे, चाय मैंने बना ली थी, बाकी ड्रिंक्स वगैरह और बच्चों के लिए केक्स वगैरह रखे हुए थे, कपकेक बिस्किट्स वगैरह। और टोरंटो ज़ू इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है, चल चल के हम लोग थक गए थे। और मुझे तो ज़ू समझ ही नहीं आता, क्योंकि ज़ू में जो जानवर देखने वाले होते हैं ना, वो अक्सर सो रहे होते हैं कहीं दूर छुप के। अभी हम लोग ढूंढ रहे थे यहाँ पे लॉयन को, एंड में जाके लॉयन मिला तो वो बहुत दूर सो रहा था, खड़े रहे हम लोग वहाँ पे कि अभी उठे तो बच्चों को दिखाएं, बट वो उठा ही नहीं, क्योंकि अक्सर शेर हो या बिल्लियाँ हो ये दिन में सोती हैं। आप लोगों जो पेट्स लवर उन्हें पता होगा कि कैट्स भी दिन में सोती हैं, और शेर भी, क्योंकि कैट और ये एक ही वो है, तो वो भी दिन में सोते हैं, तो वो सो ही रहा था। और रास्ते में हम लोगों ने वापसी में जो है ना ये आइस कैप पी, और इतनी यमी होती है ना ये, मुझे तो बहुत ही मज़े की लगती है, कोल्ड कॉफ़ी टाइप की होती है। और हाँ, लेकिन मैं बहुत ही कम पीती हूँ, क्योंकि इसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होते हैं, बट होती बहुत मज़े की। अम्मी अब्बू को भी ट्राई करवाई, बहुत ठंडी होती है, उनको भी अच्छी लगी। एंड ये क्लिप्स अभी कॉस्टको के हैं, अभी हम लोग कॉस्टको आए हुए हैं, कुछ चीज़ें लेनी थी नाश्ते के लिए, कुछ चीज़ें लेनी थी, ग्रोसरी थोड़ी सी चाहिए थी, तो वही सब लेने आए हुए हैं। और आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। यहाँ पे मैं बुक्स देख रही थी, तो कॉस्टको में बहुत अच्छी बुक्स होती हैं, कैनेडियन करिकुलम की हर ग्रेड की बुक आई हुई थी, और यहाँ पे कुछ जो छोटी बुक्स थी लर्निंग बच्चों की, तो यहाँ से मैंने फिर इब्राहिम के लिए, मुझे छोटी छोटी बुक्स चाहिए थी सिंगल वर्ड की, तो वहाँ से यहाँ से मैंने एक बुक भी ले बुक का सेट भी लिया है। और माशाल्लाह से घर की रूटीन भी बड़ी अच्छी हो गई है जब से अम्मी अब्बू आए हैं, हर काम टाइम पे हो जाता है, कभी अम्मी कर ले कभी मैं कर लेती हूँ, तो वो बच्चे संभाल लेती हैं, तो बहुत ही अच्छा रूटीन हो गई है। इंशाल्लाह घर की रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आजकल क्या रूटीन है, नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो बस अब आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।